नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बीते 3 नवंबर को एक युवक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाइक तो बरामद हो गई, लेकिन लाश कई दिनों बाद घटनास्थल से 15 किमी दूर जाकर बरामद हुई। बताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद युवक कार के इंजन के नीचे फंस गया और घिसटते हुए 15 किमी तक चला गया। इसका खुलासा सोमवार को दादरी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से हुआ। अब ये सीसीटीवी वायरल हो रहा है। मृतक का साला हरेंद्र बंसल ने बताया, उनका जीजा सतपाल बीते 3 नवंबर को गढ़ गंगा में स्नान कर बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान बादलपुर थाना क्षेत्र में एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। घटना के बाद बाइक सड़क किनारे गिर गई, जबकि वो कार के इंजन के नीचे फंस गए। इसके बावजूद कार सवार गाड़ी नहीं रोका और उन्हें घिसटते हुए 15 किमी तक ले गया। काफी तलाश के बाद उनकी डेड बॉडी बुंदेलखंड जिले में मिली। इसके बाद टोल प्लाजा पर सीसीटीवी निकला हुआ तो कार के नीचे उनकी बॉडी फंसी हुई साफ दिखाई दी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर कार्रवाई की होती तो आरोपी कार चालक गिरफ्तार हो गया होता। सीओ दादरी निशांक शर्मा ने बताया, एक सीसीटीवी फुटेज संज्ञान में आया है जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।